हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने स्पीड एंड वेलोसिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। तो आज हम उसी के नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एक्सीलरेशन। ठीक है, तो एक्सीलरेशन क्या होता है? जैसे आपने वेलोसिटी और स्पीड को पढ़ा, क्या वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ds अपॉन dt। ठीक है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम कहते हैं वेलोसिटी। इसको हम दूसरे वे में ये भी बोलते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ठीक है, इसी तरह से हमारा आता है एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब ये तो वेलोसिटी हो गई डिस्प्लेसमेंट के साथ, एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सीलरेशन हो जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज dv अपॉन dt। ठीक है, ये होता है एक्सिलरेशन का फॉर्मूला। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम डिफरेंस पे, पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में कितनी वेलोसिटी चेंज हो रही है, उस वेलोसिटी के चेंज होने की जो रेट है वो होता है एक्सिलरेशन। ठीक है, एक्सिलरेशन वेक्टर क्वांटिटीज हो, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी पिछली वीडियोज में भी बता चुकी हूँ कि वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। जब वेलोसिटी चेंज होगी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगी, क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट से आती है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब ये चेंज होगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चेंज होगा, तो उस डायरेक्शन को भी कंसिडर करेंगे और उसके मैग्नीट्यूड को भी, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, यूनिट इसकी होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, टाइम सेकेंड। इसको सॉल्व करके मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसकी यूनिट आती है। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वेलोसिटी का, डायमेंशनल फॉर्मूला LT-1, टाइम का T, तो ये हो जाएगा LT-2, ये इसका हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, अब बेसिकली फोर टाइप्स के हम एक्सीलरेशन को स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। थर्ड होता है एवरेज एक्सीलरेशन। एंड फोर्थ होता है इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। हाँ, देखिए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, तो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन क्या होता है? जैसे मैंने आपको यूनिफॉर्म मोशन का पहले समझाया था कि जब सेम टाइम डिफरेंस पर सेम वेलोसिटी चेंज होगी तो वो हमारा होगा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एग्जाम्पल आप ऐसे देख सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। यहाँ का टाइम डिफरेंस सपोज 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट में वो 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी चेंज हो रहा है, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 10 मीटर पर सेकेंड, फिर नेक्स्ट 1 मिनट में 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब हर 1 मिनट में वो 10 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। ठीक है, तो यानी सेम टाइम डिफरेंस पर सेम वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? जो एक्सिलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा। इस टाइप के एक्सिलरेशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन। जस्ट इसके अपोजिट में आता है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म कौन सा होता है? नॉन यूनिफॉर्म जस्ट इसका अपोजिट, दैट इज सेम टाइम डिफरेंस पर डिफरेंट वेलोसिटी चेंज। समझ रहे हो? यहां 1 मिनट में 10 का डिफरेंस आया, यहां 1 मिनट में 20 का आया, यहां 1 मिनट में 30 का आया। मतलब हर 1 मिनट में डिफरेंट वेलोसिटी चेंज है। ठीक है, तो यहां पर 10 का है, यहां पर 20 का है, यहां पर 30 का है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्सीलरेशन जो होगा वो नॉन यूनिफॉर्म होगा। थर्ड देखें, एवरेज एक्सीलरेशन। तो एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सीलरेशन होता है टोटल वेलोसिटी चेंज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम इंटरवल। ठीक है, टोटल टाइम डिफरेंस। तो इस पे हमें मतलब जो नॉर्मल एक्सीलरेशन होता है वो हम एक
इस तरह से यूज करते हैं, जैसे एक पर्टिकुलर हमने टाइम इंक्रीज किया, जैसे टाइम 0 से हमने टाइम 10 सेकेंड ले लिया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर टाइम इंक्रीमेंट के लिए जो वेलोसिटी चेंज होती है उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। लेकिन जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है वो एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जैसे बहुत सारे एक बहुत ज्यादा टाइम के लिए या फिर एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम एवरेज एक्सेलरेशन का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें डेल्टा वी को आप ऐसे लिख सकते हैं, वी एफ माइनस वी आई, मतलब फाइनल एक्सेलरेशन, फाइनल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। फोर्थ आता है इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड में मैंने आपको बताया था कि अगर हमें, मतलब अब ये है हमारे पास एवरेज एक्सीलरेशन, एक पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें बता रहा है ना, कोई कोई भी ऑब्जेक्ट है इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से मूव कर रही है किसी भी तरह से, तो वो पूरा जो ओवरऑल होगा उस पर एक्सीलरेशन, ये वो डिफाइन करेगा हमें एवरेज एक्सीलरेशन, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस की, तो इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे हमें निकालना होता है। जैसे यहाँ देखें, मैं पूछूँ यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या होगा, तो तुम लोग एवरेज एक्सीलरेशन नहीं बता सकते हो, इसके लिए हमें इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बताना होगा, ठीक है। अगर ओवरऑल की बात करेंगे तो एवरेज आएगा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस आएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमने एक कंडीशन आपको पहले भी बताई थी, जो टाइम इंटरवल होता है उसको बहुत स्मॉल किया जाता है, इतना स्मॉल कि वो 0 को टेन करे। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, लिमिट लगानी होती है डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ठीक है। तो ये हो गया इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे, एक पर्टिकुलर इंस्टेंस पे बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए। इसको हम लिखते कैसे हैं, लास्ट में जब हमारे पास लिमिट और डेल्टा आते हैं तो इसको हम लिख देते हैं डी वी अपॉन डी टी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको अगर हमें डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे, यानी कि एक्सिलरेशन इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी तो है, वेलोसिटी क्या होती है डी अपॉन डी टी, ऐसे ही रखा वेलोसिटी इस वाली टर्म की जगह डी एक्स अपॉन डी टी, एक्स यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन भी कह सकते हो। साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, एक्सिलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, क्योंकि जो हमारी वेलोसिटी होती है ना वो नेगेटिव भी होती है, जीरो भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन जो स्पीड होती है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है। तो इसी तरह क्योंकि वेलोसिटी हमारी नेगेटिव पॉजिटिव एंड जीरो हो सकती है, क्योंकि एक्सिलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसलिए हम इसे पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी और जीरो भी। तो फ्रेंड्स ये कुछ इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं एक्सिलरेशन के डायरेक्शन को लेकर। तो फर्स्ट रिमार्क क्या है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, जब हमारी वेलोसिटी की डायरेक्शन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा ओनली डायरेक्शन चेंज करेगी, तो एक्सीलरेशन कैसे होगा, परपेंडिकुलर होगा वेलोसिटी के, ओके। सेकंड रिमार्क, व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी चेंजेस तो एक्सिलरेशन होगा पैरेलल टू बी, समझे। मतलब अगर सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगी, जैसे यहां पर कोई पॉइंट है, कोई पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में जा रहा है पहले, ठीक है, फिर उसको मतलब किसी दूसरे पार्टिकल्स की या फिर कुछ टाइम बाद उसकी डायरेक्शन ये वाली हो गई, ठीक है, तो इसकी डायरेक्शन चेंज कर गई। लेकिन अगर हम कहें यहां पर भी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां पर भी 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड सेम है, ओनली डायरेक्शन चेंज हो गई, तो
तो इस केस में क्या होगा, एक्सिलरेशन जो होगा वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। अगर उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन सेम है, सेम डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड चेंज हो जाता है, तो एक्सिलरेशन जो होगा वेलोसिटी के पैरेलल होगा। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज ऑल अबाउट एक्सिलरेशन, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मोर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक्स अ लॉट।